इस लेसन में मैं आपको इंटीजर्स ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में बताऊंगी कि हम प्रोसेसिंग में इसको कैसे यूज करते हैं। तो देखें, यहां मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि साइज कैनवस का, जो आपको बहुत अच्छी तरह आ गया है कि कैसे इंक्रीज करते हैं, मैंने कहा इसका साइज 500 बाय 500 पिक्सल्स हो जाए। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिखा है और उसका डाटा टाइप है इंटीजर। देखिए, यहाँ बहुत ज्यादा आपने गौर से इस बात को सुनना है, इंटीजर है। और इंटीजर क्या होता है, ये आपको होल नंबर में आंसर देता है, यानी 46 दे देगा, 900 दे देगा, डेसिमल में इसका आंसर नहीं होता क्योंकि ये इंटीजर डाटा टाइप है। उसके बाद हमने ये वेरिएबल लिखा, सर्कल साइज उसको मैंने नाम दिया, कैमल केस पे लिखा, इक्वल टू 50। हमने एक एलिप्स बनाना है, सर्कल बनाना है जो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 100-100 है, लेकिन उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, साइज क्या है सर्कल का, 50 हो जाएगा। अब मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ और इसके बाद हम इस पे ऑपरेटर्स यूज करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ऑपरेटर यूज करते हैं, यानी प्लस माइनस के साइन कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसमें हमारे पास एक सर्कल बन गया और ये हो गया हमारे पास 50-50 का, राइट। अगर हम यहाँ से इसको इंक्रीज करना चाहें तो क्या होगा, अब आपने सिर्फ यहाँ जो वेरिएबल का नाम है उसको, जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको चेंज करना है, यहाँ इसको चेंज नहीं करना, राइट। इसको मैं रन करवाऊंगी तो अब ये 100 सर्कल साइजेस का 100 पिक्सल्स ये बन जाएगा इसका डायमीटर, राइट। अब मैंने एक्चुअली, हमारा टॉपिक क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर इसी सर्कल साइज में इसको हम 50 कर लेते हैं, उसमें सपोज अगर मैं कहूँ कि हमने इसमें 30 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, सर्कल साइज 80 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी ऐसे भी इसको कर सकते हैं, राइट। पहले मैंने क्या कहा था कि आप 80 भी डायरेक्ट लिख लें, लेकिन यहाँ पे भी ये फीचर भी आपको आना चाहिए कि हम ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं वेरिएबल के साथ। तो देखें, ये हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद कर लीजिए, यहाँ पे 50 लिखा, आप इस पे 50 और ऐड कर लें या 80 ऐड करके देखें तो ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ नहीं, सर्कल साइज तो मुझे 20 चाहिए, तो हम इसमें से माइनस 30 भी कर सकते हैं। तो ये सर्कल साइज देखें, अब हमारे पास जो सर्कल ड्रॉ होगा वो क्या होगा, 20 उसका डायमीटर हो जाएगा, बहुत छोटा सा सर्कल हो गया। सेम थिंग अगर हम इस पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आपने यूज करना है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से कर देते हैं ताकि हमारी इस स्क्रीन पे ये आ जाए, राइट। अब ये 150 देखें, थोड़ा बड़ा आपके पास आ जाएगा सर्कल। और अगर आप इसको डिवीजन करना चाहते हैं, ये हमारे पास मेनली 4 ऑपरेटर्स होते हैं, और इसको मैं कर देती हूँ 150 ताकि 50 इसका डायमीटर हो और हमें नजर आ जाए, अदरवाइज बहुत छोटा हो जाएगा, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेटर्स हैं, और आपने इसको ऐसे यूज करना होता है। देखें, यहाँ पे भी मैंने ये सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाया है इस स्लाइड में, आगे जाएं यहाँ मैंने आपको प्लस करके दिखा दिया है, राइट, कि आप इसमें प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नंबर है, जरूरी नहीं है कि 30 करना है, आप कुछ भी लिख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे इसको हमने डिवाइड कर लिया। ये तो बिल्कुल सिंपल आपके पास थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं। अब हम जा रहे हैं एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर को डिस्कस करने। देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने साइज लिखा, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ जो लास्ट स्लाइड पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, यहाँ हम सिंपल एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक इन ये हमने ऑपरेटर यूज किया, और आपको मालूम है कि यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमने डिवाइड करना है, या हमने यहाँ प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, राइट। तो मैथ्स में एक्चुअली क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, अगर आपके पास 2-3 ऑपरेशन एक साथ आ जाए, प्लस भी आ जाए, डिवाइड भी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, तो थोड़ा सा आपने केयर करनी होती है। यहाँ पे मैंने साइज लिखा, इंट वही मैंने एक, देखें ये डेटा टाइप इंट, इंटीजर लिखा जो आपको होल नंबर में आंसर देगा, और वेरिएबल का नाम मैंने परसेंट 55। अब यहाँ इंट लाइन एक्स एक और वेरिएबल बनाया मैंने और उसको लिखा परसेंट, परसेंट की जगह आपने क्या लिखना होगा, ये 55। देखें, ये ऐसे हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500। तो और हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, लास्ट स्लाइड में एलिप्स बनाया था, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, जीरो, ये जो हमारे पास, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, ये कैनवस है, जीरो और 250, यानी एक्स एक्सिस तो आपके पास ये जीरो है
और y पे 250 है, अगर ये 500 का है तो यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होगी, यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होगी और 250 पिक्सल y एक्सिस पे है, लेकिन ये लाइन x जो है इसका पॉइंट आपने यहाँ से आपके पास आएगा, परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500 यहाँ से, राइट right? तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.55 और 0.55 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 275, यानी ये 275 यहां तक आपकी लाइन होनी चाहिए, यहां तक ऐसे, राइट right? इसको आप सॉल्व करके देखें, इसमें एक डिवीजन भी है और एक आपके पास मल्टीप्लीकेशन भी है, लेकिन जब मैं इसको रन करवाती हूं तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक तो यहां पे एक लाइन आनी चाहिए, राइट right? और मैंने आपको समझाया भी कि कैसी आएगी, कि ये 275 राइट लाइन एक्स तो 2, लेकिन लाइन तो हमारे पास आई नहीं, राइट right? इसको देखें, ये जो आप कैलकुलेट करके देख लें, 55 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500 275, यानी ये पॉइंट जो है आपके पास 275 है और फोर लाइंस के लिए पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, ये लाइन तो ऐसी बननी चाहिए, लेकिन जब हमने इसको रन करवाया तो हमारे पास तो कोई आउटपुट नहीं आया, लेकिन इसी सिनेरियो में अगर मैं यहाँ 275 खुद लिख दूं, यहाँ तो हमने ये यूज किया है वेरिएबल का नाम, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको यूज लिख देती हूँ 275 और फिर मैं इसको रन करवाऊंगी, क्योंकि ये 275 ही इसका रिजल्ट है, तो आपके पास लाइन आ जाएगी, लेकिन जब हमने वेरिएबल यूज किया तो लाइन नहीं आई, और हम यही सीख रहे हैं कि वेरिएबल जब हम लिखते हैं तो वो यहाँ से वैल्यू उसकी सिस्टम ले लेता है, राइट right? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी काम होता है आप उसकी रीजन जरूर देखा करें कि ऐसा क्यों होता है। तो देखें, मैंने आपको सबसे पहले लेसन शुरू होने से पहले ही बताया था कि आप गौर कर लें कि ये हम इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं, और इंटीजर डेटा टाइप जो है उसमें आपके पास जो होता है वो होल नंबर में आंसर आता है, ये यहाँ पे तो हमने इंटीजर डेटा टाइप लिखा, यहाँ मैंने परसेंट किया और यहाँ डेसिमल में ये आ गया 0.55, तो ये इंटीजर डेटा टाइप तो नहीं हुआ, ये तो दूसरा डेटा टाइप हुआ, रियल नंबर जिसको हम कहते हैं फ्लोट कहते हैं, वो तो मैं बाद में आपको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये होल नंबर में आंसर नहीं आया, इसलिए क्या होता है कि मैं आपको यहाँ बल्कि अगली स्लाइड पे बता देती हूँ, लेकिन ये याद रखें कि अगर हमने खुद लिखा तो लाइन आपके सामने आ गई, लेकिन जब हमने ये किया लाइन एक्स लिखा था वेरिएबल तो लाइन नहीं आई थी, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है और इंटीजर डेटा टाइप आपको होल नंबर में आंसर देता है। यहाँ पे पहले मैं एक और सिनेरियो बता देती हूँ आपको और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा करेंगे। अब देखें, सेम सिनेरियो है, इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैंने परसेंट लिखा है 100, राइट ये 100 आ जाएगा और क्या हो जाएगा 100, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी और हम इसको यहाँ करवाते हैं रन। तो अब आप क्या इसका सोचते हैं, क्या आउटपुट आएगी, लाइन आएगी कि नहीं आएगी, सेम सिनेरियो है राइट, लेकिन इस केस में लाइन तो आ गई। अब फिर ये क्वेश्चन है कि लास्ट में तो हमारे पास लाइन आई नहीं, राइट यहाँ मैंने टारगेट एक्स यूज कर लिया, आप लाइन एक्स यूज कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तो हमारे पास लाइन नहीं आई थी राइट, यहाँ हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ गया था, लेकिन यहाँ हमारे पास लाइन क्यों आ गई, इसलिए कि यहाँ मैंने इसकी वैल्यू 100 लिखी है परसेंट की, वहां 55 थी, 100 डिवाइडेड बाय 100 इसको आप करके देखें मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये कैंसिल होके ये 1 होल नंबर में आ गया है, ये इंटीजर डेटा टाइप है जो होल नंबर में होता है, लास्ट लाइन में ये डेसिमल में आया था राइट। अब हम इसको प्रिंट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ एक प्रिंट लेन का भी फंक्शन होता है, प्रिंट लेन, इसी सिनेरियो को मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ कि क्या होगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखें, यहाँ पे हमारे पास लाइन तो कोई नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल में है और ये इंटीजर है, लेकिन प्रिंट लेन लाइन एक्स जो है ये हमारे पास जीरो आउटपुट आ गई। जीरो क्यों आई, इसका आंसर तो 275 आना चाहिए था राइट। तो क्या होगा कि हम ये इंटीजर डेटा टाइप जो है ये यहाँ पे जो डिवीजन होती है ये अगर डेसिमल में आ जाती है तो वो उसको सिस्टम जीरो कर देता है राइट। सिस्टम क्या करेगा, अगर ये हमारे पास था 0.55 आ गया राइट, यहाँ हमारे पास था 55/100 और मल्टीप्लाई बाय 500, इसको जब हमने किया था तो ये 0.55 आ गया, तो सिस्टम जो इंटीजर डेटा टाइप है ये इसको क्या करेगा, इंटीजर डिवीजन को
इसको ये जीरो कर देगा, और फिर जब जीरो को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जीरो ही आ जाएगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट फिर जीरो हो गया, तो लाइन तो हमारे पास आएगी ही। तो हम जब इंटीजर डिवीजन करते हैं तो देखिए, अगर मैं यहां पे अगर हमने हमें आउटपुट चाहिए, यानी हमें कोई रिमाइंडर स्टाइल में आंसर चाहिए कि हम इसको डिवाइड करें और हमारे पास कुछ रिमाइंडर आ जाए ताकि हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकें, तो हम ये मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये जो परसेंट का साइन होता है इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं, ये यूज करते हैं। और मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको रिमाइंडर की सूरत में रिजल्ट देता है। अब इसका क्या मीनिंग है, देखें जो फोर्थ फिफ्थ में हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीखते थे, डिवीजन का क्या रूल था, सेम मैं आपको बताती हूँ। ये जो 55/100 मैंने अभी लिखा था, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी ये थी 55/100, राइट, परसेंट डिवाइडेड बाई 100। 100 क्यों है, क्योंकि इसको ये परसेंट पे कन्वर्ट करता है। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं और ये इस पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता था बचपन में जो हम करते थे फोर्थ फिफ्थ में, तो हम क्या करते थे, यहाँ हम लगाते थे जीरो और यहाँ करके हम लिखते थे, यहाँ पे आ गया जीरो रिमाइंडर 55, राइट। इसकी जगह अगर कुछ भी हो सकता है, सपोज अगर मैं 22 कर लेती हूँ और उसको मैं कहती हूँ कि 100 से डिवाइड कर लें, तो हम कैसे करते थे, ये डेसिमल में हम नहीं, जब हमने नहीं सीखा था तो पॉइंट, अदरवाइज तो ये है कि डेसिमल लगा के यहाँ जीरो लगा ले, जब हमने 3-4 ग्रेड में सीखा था ये नहीं, इस पे डिविजिबल है, नहीं डिवाइड हो सकता था, तो जीरो लगाते थे, यहाँ पे भी जीरो करके, और हम कहते थे कि ये हो जाएगा जीरो रिमाइंडर 22, राइट। तो अगर हमने डिवीजन साइन यूज किया है अपनी इसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, 2-3 साइन हमारे पास यूज हो रहे हैं और उसमें हमने ये डिवीजन लाइन यूज की है, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, हमारे पास आएगी आउटपुट 3। देखिए अगर 11 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 3 3 टाइम 9, बाकी हमारे पास रिमाइंडर 2 रह जाता है। लेकिन इसकी भी मैं आउटपुट आपको करके दिखाती हूँ और इसकी भी करके दिखाती हूँ, इससे क्या होगा, हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कंसोल पे, ये नहीं आएगा। हम चाहते हैं हमारे पास रिमाइंडर आए ताकि हमारी कैलकुलेशन आगे जाए, जीरो अगर ये नहीं होगा तो ये जीरो इसको कर देता है। तो देखें हम क्या करेंगे, इसको मॉड्यूलो साइन यूज करेंगे। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, प्रिंट लाइन 11/3 भी करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट लाइन, मैं करती हूँ 11/3, राइट। तो हमारे पास कंसोल पे क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ जो चीज आती है ना हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ये हमारा आंसर हो गया, ये 3, राइट। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ रिमाइंडर स्टाइल पे आए तो इसको हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर में कन्वर्ट करना होगा। अब आपके पास 2, देखें इसकी आउटपुट अब 2 आएगी। अब इसकी आउटपुट 2 आ गई। तो हमें क्या करना है, अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं तो हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करना है, तो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, राइट। अगर यहाँ पे मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर लूँ, जैसे 55 डिवाइड की जगह मॉड्यूलो 100 मल्टीप्लाई बाय 5500, तो आपके पास लाइन ड्रॉ होगी। लेकिन अगर आपने इसको परसेंट को हटा के अगर हमने 55 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया तो ये डेसिमल में चला जाएगा, और जब भी ये डेसिमल में जाएगा सिस्टम इसको जीरो कर देगा, जब जीरो कर देगा और उससे हम जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर जीरो आएगा। तो याद रहे कि अगर आपको रिमाइंडर स्टाइल चाहिए, यानी रिमाइंडर में वैल्यू चाहिए, तो हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करना होता है। अब देखें यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो लिखा, वही चीज है, बिल्कुल सेम है, इंट परसेंट 15 है और लाइन ड्रॉ करनी है परसेंट ये 15, अब मैं कर रही हूँ मॉड्यूलो 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो देखें आपके पास अब लाइन आ जाएगी। और सेम यहाँ पे मैंने कहा है लाइन एक्स यूज किया है, अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूंगी डिवीजन का साइन तो आपके पास लाइन नहीं आएगी, क्योंकि ये परसेंट 15 डिवाइडेड बाय 100 ये 0.5 हो जाएगा और 0.15 हो जाएगा, और डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है जो होल नंबर में चाहिए, सिस्टम इसको जीरो कर देगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय 50 तो आपका आंसर भी जीरो हो जाएगा। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों जीरो जीरो होगा, लाइन नहीं आएगी। हम चाहते हैं रिमाइंडर आपके पास आ जाए तो हम इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब देखें इसको मैं करती हूँ, और साथ में मैंने प्रिंटलिन भी यही लिखा है कि 15 परसेंट की जगह 15 मॉड्यूलो 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इस एक्चुअली इस लाइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
अब हमारे पास लाइन भी आएगी और हमारे पास आउटपुट भी आएगा प्रिंटलिन कंसोल पे, क्योंकि मैंने प्रिंटलिन का फंक्शन भी यूज किया है। इसको हम रन करते हैं तो देखें ये 750, यानी 15 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी मॉड्यूलो 100, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 15। कैसे होगा यहां मैं एक दफा दोबारा करके आपको दिखाती हूँ कि ये 15 को जब हम 100 से करते हैं राइट, तो ये 0 हो जाएगा और 0 रिमाइंडर 15, ये आपके पास आएगा आंसर 15। ये कब आएगा आपके पास, जब आपने ये मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज किया होगा राइट, अदरवाइज नहीं होगा। अब क्या है, अब मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखे हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, यहाँ पहले आपने खुद सॉल्व करने हैं अच्छी तरह। और याद रहे कि इसमें हम पेमडास या बेडमैस रूल यूज करते हैं कि पहले जो कुछ भी पैरेंथेसिस में है उसको करते हैं, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप इसको कभी भी ऐसा ना करें कि 6 + 5 करके 11 कर दिया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर गलत हो जाएगा। पहले आपके पास कोई पैरेंथेसिस नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन ये डिवीजन को देखें, 5 2 × 10 हो जाएगा आपके पास राइट, और यहाँ पे ये हो गया आपके पास। अब तीनों प्लस के हैं तो इसका आंसर 26 हो जाएगा। ये आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ मॉड्यूलो ऑपरेटर भी है राइट, और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास मैं बता देती हूँ, 0 आएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि देखें 6 modulo 2 यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, तो हम जब इसको 2 से करेंगे तो 2 3 × 6 रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब आपने ये कंसीडर करना है राइट, 0 दिस डिवाइडेड बाय 2 और फिर ये आपके पास 0 आ गया, फिर 0 क्योंकि मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह समझ समझ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके आंसर लिखें, और अच्छी बात ये है कि नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसके सॉल्यूशंस भी आपके लिए लिख दिए हैं। उसके बाद आप प्रिंट लिन करके इस फंक्शंस को जब आप रन करवाएंगे अपने कैनवस पे तो आपके पास ये आउटपुट आनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत